रुद्र, ये है मेरा भाई जिसके लिए मैं सब कुछ भूल गया। उसने ये किया मेरे साथ रुद्र। लेकिन नहीं नहीं प्रिशा, नहीं। उसको अच्छे से पता कि मैं सारांश से कितना प्यार करता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं सारांश के लिए, उसके बिना नहीं रह सकता। फिर भी उसने ऐसा किया। अब मैं भी कोर्ट में केस लड़ूंगा। लेके दिखाया वो सारांश को मुझसे रुद्र। लेकिन बेटा ये सब कोर्ट का चेयर। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपना बेटा नहीं दे सकता। देखता हूँ कैसे जीतते हैं वो लोग। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। डेट कल की है। मैं अभी हमारे फैमिली लॉयर को फोन करता हूँ। ऐसा केस बनाऊंगा ना उनके खिलाफ कि जिंदगी भर कोर्ट नहीं जाएंगे। हेलो। हाँ मिस्टर मानो। हेलो मिस्टर रुद्राक्ष, कैसे हैं आप? अरे कुछ ठीक नहीं है। नोटिस आया मेरे पास कोर्ट का, मेरी बेटी की कस्टडी के लिए। आप सारा केस समझ गए ना? ऐसा केस बनाइए उनके खिलाफ कि सारांश की कस्टडी क्या उसका नाम तक भूल जाएंगे लोग। आप अभी आ जाइए। सर आना कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी साइक्लोन में? बाहर निकलने तक के लिए मना किया हुआ है। गॉड। हाँ सॉरी, आप एक काम कीजिए, आप किसी और लॉयर का रेफरेंस दीजिए मुझे, मैं उसके पास चला जाऊंगा, वो हमारा केस लड़ लेगा। सर अब इतने कम टाइम में मैं किसी को कैसे रेफर कर सकता हूँ? एक दिन में कोई केस कैसे रेडी करेगा? And that too, इतना complicated. तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? ऐसे टाइम में और इतनी जल्दी, और वो भी गोवा में। I'm really sorry, sir. मैं आपका ये काम सच में नहीं कर पाऊंगा। रुद्र, क्या कहा उसने? क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब साइक्लोन की वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ किसी लॉयर को नहीं जानता जो हमारा केस लड़ सकता। हमारा केस कौन लड़ेगा? मैं लड़ सकता हूँ। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? सुना नहीं तुम लोगों ने? मैं लड़ूंगा तुम लोगों का केस। ये फ्रेंड्स तू? हाँ मैं। तो तू हमारी हेल्प क्यों करेगा? कैसी बातें कर रहे हो तू? इससे पहले कभी हेल्प नहीं की तुम लोग की मैंने? अरे भूल गए वो चुड़ैल? महिमा इसकी बहन, तब भी तो हेल्प की थी ना मैंने। ये तुम लोग का भाई बहन का चक्कर का निराला है। लेकिन तुम अरे कम ऑन प्रिशा, तुम भी ऐसे बोल रहे हो? देखो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ सारांश तुम दोनों के लिए क्या है, लेकिन शायद तुम लोग को नहीं पता कि सारांश मेरे लिए क्या है। सारांश के साथ एक अलग से कनेक्शन, एक बॉन्डिंग टाइप की है जो तुम लोग समझ नहीं पाते। अब क्या सोच क्या रहे हो? मैं बोलता रहा, मैं हेल्प करूंगा। वैसे भी हाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतने कम टाइम में लॉयर के लॉयर का काला कोड भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हैं? ये शकुनी का मामा, ये कौन सी ढाई घर की चाल चल रहा है? अब हमारे साथ है और अब इनका साथ देगा? गद्दार कहीं का। एक सेकंड, पहले अपनी ये बकवास बंद कर। और ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू? भूल गया क्या मैंने तेरा लाइसेंस कैंसिल करवाया था? अबे नल्ले, वो 4 महीने बाद लाइसेंस मैंने वापस ले लिया था। युवराज पिल्ले ही नाम है मेरा। और हाँ, अभी इस वक्त तुम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो प्लीज फुटेज खाना बंद करो ना यार। तिनका हूँ मैं, तिनका। और डूबते हुए किसका सहारा काफी होता है? तिनके का। अभी तुम लोग डूब रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ आके मुझे पकड़ लो कसके, डूबने से बचा लूंगा। और हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि 500 साल भी निकल जाएंगे मिश्का और कबीर को, तब भी तुम दोनों जैसे लायक माँ बाप नहीं बन सकते। अभी भी सोच रहे हो? अरे हाँ बोल दो ना, इतना क्यों सोचना है? बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, तू बनेगा हमारा वकील, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यह बोलना जरूरी था। लेकिन युवराज, बात सारांश की है, धोखा मत देना। देख युवराज, जी जान लगा देना, क्योंकि ये केस हमें जीतना है। बदले में जो कीमत चाहिए मैं दूंगा तुझे। वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। फिलहाल तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी कीमत है। तो क्या बोलता, इस बार हाथ मैं बढ़ा रहा हूँ, मिलाओगे हाथ? दो कौड़ी का आदमी, तेरी कीमत तो अब मैं लगाती हूँ। गिरगिट कहीं का रंग बदल लिया। रुक, मैं अभी आई। ये भाग कर रहा है गिरगिट। क्या गिरगिट? जो रंग बदलता है, बदल गया ना तूने रंग? गद्दार,
दिन भर बैठकर हमारे साथ चाली चलता रहता है रुद्र और पीछा को डुबोने के लिए, अब तिनका बनेगा उनका है? अबे इस तिनके को ना फोड़ के रख दो, यही बात समझ? अरे यार चिल्ला क्यों रही हो चिलोचना, शांत हो जाओ ना। आखिर साबित कर दिया ना कि तुम कबीर की माँ हो। ए खबरदार मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ मत बोलना। खबरदार कबीर को उनके सामने। हाँ तो क्या मतलब तुम रुद्राक्ष की साइड हो गई? वो मैं दिखावा कर रही हूँ ताकि रुद्र पिशा को ये लगे कि मैं उनके साथ हूँ और उनकी सारी प्लानिंग का मैं पता कर सकूँ। अरे मैं भी तो वही कर रहा हूँ, वही दिखावा। उनके साथ होने का उन्हें एक वकील चाहिए था, वकील बन गया मैं। अरे जब बचाने वाला ही उन्हें हराएगा तो फिर उन्हें बचाएगा कौन? समझा करो ना चुलोचना, मैं उनके साथ रह के उनकी स्ट्रैटेजीज जानूंगा, उनकी प्लानिंग जानूंगा। उन्हें लगेगा कि मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उन्हें बचाने के लिए, बल्कि सच तो ये होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उन्हें हराने के लिए। एग्जैक्टली मान गए भाई, बिल्ले बाबा मान गए, तुझे चंद खोपड़ी है तू। मैं डर गई थी एक सेकंड के लिए। बस बोलती रहती हो तो मानती नहीं हो। मान लिया तू चंद खोपड़ी है, लेकिन जान लिया कि तू बहुत बड़ा कमीना है। वो तो मैं। अब नौटंकी बंद कर, हैं? जा केस बना, रुद्र और पीछा को हारा। वही करने जा। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, क्यों? आजकल ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आपको मेरे ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? अब ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सो जाओ। हे वेंकटेश्वर, हे कैसी परीक्षा, कुछ भी करना बस मेरे सारांश को दूर मत करना प्लीज। सारांश की कस्टडी केस हमें ही जिताना।